यहां तक लाया हूं, अगर इस कारवां को आप आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना, ये बाबा साहब कह रहे। ये अंबेडकर साहब ने कहा, और काशीराम साहब ने क्या कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपका थोड़ा मिशन हम करेंगे पूरा। अब हम कह रहे हैं साहब काशीराम जी ने हमें जगाने का काम किया, आज भेड़ तुम्हारी मायावती जी हमारी नेता है, अब हम देश में नारा लगाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपका अधूरा मिशन हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बहन कुमारी मायावती जी के लीडरशिप में हमने काम पूरा करना है, इसलिए हरियाणा प्रदेश के अभी हमारी युवा शक्ति जैसे यूनिवर्सिटी रोहतक में प्रोग्राम हुआ है, अभी मैं महेंद्रगढ़ में गया, वहां पर पाली में एक यूनिवर्सिटी बनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पर मेरे युवाओं से मीटिंग हुआ, उन्होंने कहा हम आपका प्रोग्राम कराएंगे उस यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ऐसी सिरसा में होगा, फिर हमारा हिसार में होगा, ऐसे हमारा कुरुक्षेत्र में होगा, सारी यूनिवर्सिटियों में जो भी हमारे युवा पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे प्रोग्राम कराएं, हम आने के लिए तैयार हैं। हमारी महिलाएं, मैं अपनी महिलाओं को कहूंगा, हमारी बहनों को कहूंगा, एक प्रोग्राम आप महिलाएं 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 एक प्रोग्राम करें इकट्ठी होकर के, सारी महिलाएं का एक प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं अपने जिले की लीडरशिप को कहूंगा विधानसभा में महिला को प्रधान बनाओ, जिले में लगाओ, सेक्टर में लगाओ, महिलाओं की भी पूरी टीम बनाओ, जैसे पुरुषों की हमने टीम बनाई है महिलाओं की पूरी टीम बनाओ। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं महिलाओं की भी हमें जरूरत पड़ेगी। जब ये 1994 में पंचायती राज एक्ट आया, पंचायती राज कानून आया, हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, उस समय बहुत सारी महिलाएं अनपढ़ थी, कानून आ गया, चेयरमैन बननी थी महिला, सडोरा एक हमारे वहां पे ब्लॉक है सडोरा, चेयरमैन महिला बननी थी, हमने पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किसी महिला को चुनाव लड़ाओ, सबने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने बहुत सारी महिलाओं को कहा चुनाव लड़ो, किसी ने कहा हम नहीं लड़ेंगे। एक हमारी बहन जा रही थी, उसका नाम था प्रमाली देवी, वो घास लेने जा रही थी, हमने सार साहब ने कहा कि आपका मकान बनवाएंगे गुट्ठा लगाओ, हमने उसका गुट्ठा लगवा लिया और नॉमिनेशन फॉर्म पे लगवा लिया, मकान के नाम का बहाना देके नॉमिनेशन फॉर्म पे गुट्ठा लगवा लिया, नॉमिनेशन कर दिया, अनपढ़ थी वो तो घास लेने जा रही थी, उसके मुकाबले में कोई नहीं आया, वो पहले तो उसका फॉर्म भरा गया मुकाबले में कोई नहीं आया, अनपढ़ थी चुनाव जीत गई, आठ आठ हमारे जीत कराए मेंबर आठ, एक महिला, पांच कांग्रेस के जीत कराए एक महिला, कांग्रेस वालों को लगे कि बीएसपी के तो आठ जीत गए, 13 टोटल थे, चेयरमैन तो बीएसपी का बनेगा, अब क्या करना है, वो जोर तोड़ करते रहे हमारे मेंबरों को तोड़ने के लिए, हमारा मेंबर नहीं टूटा, हम आठ मेंबरों के साथ सडोरा में चले गए ब्लॉक में, 10 बज गए, फिर कुंडा लग जाता है, लॉक लग जाता है, 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी, फिर कांग्रेस वाले आए, उनको एंट्री नहीं करने दिया, बॉडी नहीं पड़ा, हमारी परमाली देवी वहां भी निर्विरोध जीत गई, वहां भी निर्विरोध जीत गई, पहले नॉमिनेशन में जीत गई, वो चेयरमैन उड़ गई, हमने सार साहब ने कहा चलो शपथ लाएंगे, फिर उसे कुर्सी में बैठाने के लिए लेकर गए, परमाली देवी जी चेयरमैन साहब कुर्सी में बैठो, वो कहती मुझे तो शर्म आती जी आप ही बैठ जाओ, मुझे तो शर्म आती जी आप ही बैठ जाओ, हमने कहा देखो बहन जी आप चेयरमैन बड़ी है बाबा साहब की कृपा से, आपको कुर्सी में बैठना पड़ेगा, परमाली देवी को पहले शर्म आई लेकिन बढ़ा दिया हमने, बैठ गई चेयरमैन बन गई। एक महिला आई 2 महीने बाद, उसने कहा कि चेयरमैन साहब हमने आपको वोट दिया था हमारा मकान बनवाओ, उसने बीडीओ साहब को कहा बीडीओ साहब इस महिला का काम करो, बीडीओ साहब ने अनसुना कर दिया, काम नहीं किया। 2 महीने बाद फिर वो महिला आई, उसने कहा बीडीओ साहब ने भाई चेयरमैन साहब मेरा तो काम हुआ नहीं, उसने कलर कपड़ाया कि भाई बीडीओ साहब से पूछो ये काम क्यों नहीं किया, बीडीओ साहब कहता मुझे तो पता नहीं कौन सा काम था। परमाली गई बीडीओ साहब के कमरे में गई कि बीडीओ साहब ये काम क्यों नहीं किया, कहता कौन सा काम, परमाली ने एक जोड़ा थप्पड़ बीडीओ खींच के मारा, बीडीओ के थप्पड़, बीडीओ के नीचे गिरा कुर्सी से, बीडीओ को नीचे गिरा दिया, 9 से 326 की जानकारी थी, 9 से 3 कोई उसे कौन सी धारा लगी उसे कोई पता नहीं था, पता नहीं पड़ती, उसने बीडीओ को एक मारा थप्पड़, बीडीओ नीचे गिरा,
वीडियो के साफ पड़े हुए क्या हो गया चेयरमैन साहब क्या हो गया। तो वीडियो ने अपने क्लर्कों को बुला के कहा इस महिला का कल काम शुरू करवाओ, कल मकान बनवाओ। फिर जब तक अभी वो प्रवानी चेयरमैन रही, फिर उसने वीडियो को कहा, कहता भाई मैं अब चेयरमैन हूं, चेयरमैन मैं वो प्रवानी नहीं हूं घास काटने वाली, मैं चेयरमैन हूं। इसलिए हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून दिया है उसमें पुरुषों को भी हिस्सा मिला है और महिलाओं का भी हिस्सा पूरा मिला है। इसलिए बोलना सीखो, गांव गांव में मीटिंग करो, अपनी यूनिटें बनाओ, जहां पुरुषों की यूनिटें बनी है महिलाओं की यूनिटें बनाओ। बहन तुम्हारी मायावती जी ने यूपी में कानून बनाया था जैसे हरियाणा में विधवा पेंशन मिलती है, गरीब उसको मरीज को पेंशन मिलती, कुंडे की पेंशन मिलती है। बहन जी ने यूपी में कानून बनाया था जो भी महिला होगी उसकी शादी होगी, चाहे वो 18 साल की है, 20 साल की है, 22 साल की, 30 साल की है, उसको भी अगर घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसका परवंत का बहन जी ने पेंशन लगाया था, यूपी में पेंशन लगाया था कि वो महिला काम नहीं करती, उसका घर वाला काम नहीं करता है, उसको भी यूपी में पेंशन लगाने का काम किया। तो अपनी महिलाओं को पूरा सम्मान देना है। ये सरकार महिलाओं के नाम पे नारा लगाती है लेकिन फिर सरकार है। इसलिए आगे हमारे कई कार्यक्रम लगे हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेकर के, काफी आप लोगों ने बड़ा जोर से प्रोग्राम किया है, मुझे पक्की उम्मीद है कि बहादुरगढ़ का महल तो आज ही बन गया, बहादुरगढ़ का महल तो बन गया, आज ही विजय कर दिया, आपने संकल्प ले लिया है। और जैसे शादी लाल ने कहा बस समारोह की तैयारी करनी है, 2019 का मिशन बहुजन समाज पार्टी की हरियाणा में सरकार बना के, बहन जी को देश का पीएम बना करके, बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे मिशन को श्रद्धांजलि के रूप में संकल्प लेकर के हम जाएंगे कि इस देश के अंदर अपने महापुरुषों का साथियों दोहरा मिशन पूरा करें। सभी का धन्यवाद, जय भीम जय भारत, थैंक यू।